Hello everybody. Hello. Okay dear student, today I am going to teach you advanced Hindi passive voice. देखिए हिंदी में passive voice को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, जो आपको बहुत कम मिलता है dear students. So I hope you will enjoy having watched this lovely video. So please watch past continuous tense. पहचान हिंदी के वाक्यों में क्या आता है डियर स्टूडेंट. लुक, आ जा रहा था, ई जा रही थी और ए जा रहे थे. इस टाइप की वर्डिंग लास्ट में जब आती है तो हम समझ जाते हैं ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में ही बनेगा डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो लुक राइट नाउ, ये इज द स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, यहां पर उसे फोकस करते हैं. डूअर गायब होता है, काम करने वाला जो गायब होता है और जिस पर काम किया जाता है वो हमारा पहले दिया होता है सेंटेंस में. तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड इफ, राइट. ओके, लुक हियर द एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज झोपड़ियों में आग लगाई जा रही थी. आग कौन लगा रहा था वो गायब है. किसमें लगा जा रही है, मीन ऑब्जेक्ट जो चीज है उस पर काम हो रहा है, राइट. तो झोपड़ियों में आग लगाई जा रही थी. द कॉटेजेस वर बीइंग सेट ऑन फायर. सेट ऑन फायर मीन आग लगाना. इसके और सारे आप वाक्य बनाइए, ये बहुत ज्यादा हमारा इंग्लिश अखबारों में अक्सर आता रहता है, राइट. लुक द सेकेंड एग्जाम्पल, लोगों का वशीकरण किया जा रहा था. द पीपल वर बीइंग हिप्नोटाइज्ड. हिप्नोटाइज मीन वशीकरण करना, हिप्नोसिस वशीकरण, राइट. ओके, लुक द थर्ड एग्जांपल, सुबह दलिया बनाया जा रहा था. द पॉरेज वॉज बींग प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग. ओके, एंड द लास्ट वन, उस समय मेज पर भोजन लगाया जा रहा था. ओके, लुक हियर, द फूड वॉज बींग लेड ऑन द टेबल एट दैट टाइम. आई होप ऑल द ट्रांसलेशन आई हैव एक्सप्लेन यू राइट नाउ वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो वी विल बी इन टच विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी.